नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैनल ट्रिपलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में, ये हम देखेंगे। ये साल ख़त्म होने में अभी ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो मैं ये देखूंगी कि सितंबर मंथ से लेकर दिसंबर मंथ के बीच आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप सिंगल हैं या आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में है। ओके, हर कोई देख सकता है ये। ठीक है, सो कुछ कार्ड्स मैंने प्री शफल करके रखा है, लेकिन जो टैरो कार्ड्स है वो मैं आप लोग के सामने कैमरा पर ही शफल करने वाली हूँ। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ रूनस रीडिंग भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं लाइट लैंग्वेज चैनलिंग भी करती हूँ। ठीक है, एंड एक और बात, जब भी आप लोग किसी टॉपिक के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते हो, जब मुझे लगता है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करना चाहिए, तो मैं रीडिंग कर देती हूँ, वीडियो अपलोड कर देती हूँ। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि थैंक यू मैम, आपने मेरा रिक्वेस्ट किया हुआ टॉपिक के ऊपर रीडिंग किया, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोई कमेंट नहीं करते हैं। थैंक यू तो छोड़ो, वो ये भी नहीं बोलते कि उनके साथ रीडिंग रेजोनेट हुआ है या नहीं। तो आप लोग जब भी कोई किसी टॉपिक के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते हो, और जब मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट रखती हूँ और वो वीडियो अपलोड करती हूँ, तो एटलीस्ट एक बार आप लोग ये बोल दिया करें कि आपके साथ एटलीस्ट वो रेजोनेट हुआ है या नहीं। ओके, हो सके तो थैंक यू, हाँ अगर वो नहीं हो सकता है तो आप कम से कम इतना बोल दीजिए कि आपके साथ वो रीडिंग रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ओके, वरना मुझे क्या लगता है, जैसे कि मैंने जिनके रिक्वेस्ट पर ये रीडिंग किया है, उस शख्स ने शायद मेरा रीडिंग देखा ही नहीं है, या फिर शायद उस शख्स को मेरा रीडिंग अच्छा ही नहीं लगा इसीलिए कमेंट ही नहीं किया। इस किस्म की फीलिंग्स आते हैं और अच्छा नहीं लगता है। लाइक नेक्स्ट टाइम जब वो शख्स फिर से कोई टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो मन नहीं करेगा कि मैं इनकी इस रिक्वेस्ट को रखूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ और प्लान करके रखती हूँ कि मैं नेक्स्ट इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँगी। देन सडनली जब आप लोगों का कमेंट आता है कि मैम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कीजिए, तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट रखती हूँ, राइट? तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि थैंक यू मेरे रिक्वेस्ट रखने के लिए, या फिर आपके साथ रेजोनेट हुआ है या नहीं वो कमेंट करके बता दीजिए, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, सो आपके सामने दो पिक्चर्स है, दो हार्ट्स है, पर्पल हार्ट है, ग्रीन हार्ट है, जो भी हार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। हेलो, पाइल नंबर वन पर्पल हार्ट जिन लोगों ने चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है या कौन आ रही है। ओके, जानने की कोशिश करेंगे। सो पाइल नंबर वन, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है या कौन आ रही है। सो पाइल नंबर वन, थैंक यू। सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच पाइल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है 2021 में, उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे नंबर 4 दिख रहा है, हो सकता है ये उस इंसान का लाइफ पार्ट नंबर हो या फिर बर्थ डेट हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपसे एज में 4 साल बड़े हो या फिर 4 साल आपसे एज में छोटे हो। ठीक है, ये नंबर आपका भी हो सकता है नंबर 4, क्योंकि व्यूअर्स की एनर्जीज भी आते हैं कार्ड्स में। ओके, एंड मुझे समुंदर दिख रहा है, पानी बहुत दिख रहा है। हो सकता है ये इंसान किसी ऐसे जगह में हो जहाँ से समुंदर के उस पार, बेसिकली ज़रूरी नहीं कि वो फॉरेन से ही बिलोंग करते हो, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। ठीक है, हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो फॉरेन में ही हो, लेकिन हर किसी के लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगा। दैट्स वाई जनरल रीडिंग है, तो देख लीजिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि वो इंसान आउट ऑफ कंट्री के हैं, ओके, और वो ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर नदी है या फिर सागर है। ओके, सी सागर। एंड वन मोर मैसेज मुझे आ रहा है जैसे कि वो शख्स काफ़ी इमोशनल टाइप के होने वाले हैं। ओके, उस शख्स का फेवरेट कलर ब्लू होने के चांसेस भी है। तो पाइल नंबर वन कौन आ रहा है उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर वन, थैंक यू। पाइल नंबर वन के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, थैंक यू। वन मोर कार्ड, मैं यहाँ से 4 कार्ड ही लूँगी फॉर पाइल नंबर वन, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी मैं देख लूँगी। ओके ओके, थ्री ऑफ वॉन्स, मैंने क्या बोला था, लॉन्ग डिस्टेंस, सागर के किनारे, सी आपके सामने है थ्री ऑफ वॉन्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट। अभी हम टैरो से देखेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सागर के उस पार ही हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है डेफिनेटली। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, फाइनल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ पे नेक्स्ट कौन आ रहा है कोई, या फिर कौन आ रही है, वो कौन है जो फाइनल नंबर वन के व्यूअर्स के लव लाइफ में आ रहे हैं, उनके लव लाइफ में दस्तक देने वाले हैं, कौन है वो इंसान, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। सेप्टेम्बर से लेकर दिसंबर के बीच उनके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको फॉरेस्ट में घूमना वगैरह बहुत अच्छा लगता हो। ओके, ग्रीनरी इनको बहुत पसंद हो। एंड वन मोर थिंग, ये हिल स्टेशन से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आसपास पहाड़ हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो पहाड़ में रहते हो, उनके आसपास पहाड़ी इलाका हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। थैंक यू। और ओके, यहाँ पर आया है नाइन ऑफ वॉन्स। ओके थैंक यू। एक और मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि ये इंसान बहुत डीपली सोचता है। ओके, बहुत डीप लेवल में सोचता है कुछ भी करने से पहले, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, बहुत डीप लेवल में ये इंसान सोचता है। क्विक एक्शन लेने वाला इंसान मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान, जो भी है। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक और सीन दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है आप ऑलरेडी इनको जानते हो और आपका इनके साथ झगड़ा हुआ है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्स, थैंक यू, जजमेंट, थैंक यू। फाइनल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच। थ्री ऑफ वॉन्स, लेकिन मैं नहीं लूँगी, मैं फिर से एक बार शफल कर लेती हूँ। फाइनल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। कौन आ रहा है फाइनल नंबर वन के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट, उनका नेचर, उनका प्रोफेशन, वाओ, सिक्स ऑफ कप्स है, एम्परर, वाओ। फाइनल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच। अच्छा, एक और मैसेज आ रहा है मुझे, मतलब मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, जो मुझे विजन्स नज़र आ रहा है। ये एक ऐसे इंसान है जिनके लाइफ में अभी टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है, चल रहा है उनके लाइफ में कुछ ऐसा बुरा वक्त। सेवन ऑफ सॉट्स, ओके, वन मोर काट लेती हूँ मैं, थ्री ऑफ सॉट्स, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है चैरियट। ओके, मैंने क्या बोला था, बुरा वक्त चल रहा है, राइट, थ्री ऑफ सॉट्स, सेवन ऑफ सॉट्स, यहाँ पर देखते हैं क्या है, थ्री ऑफ सॉट्स अगेन आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, किंग ऑफ वॉन्स, वाओ, वेरी नाइस, और यहाँ पर है आपके लिए ईस ऑफ सॉट्स, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में तो था ही थ्री ऑफ वॉन्स। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, टॉरस वीर को कैप्रिकॉर्न है, देन यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस। ओके, हर एक साइंस ही यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, एंड यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रांग है, तो वो कौन है, वो इंसान कौन है जो आपके लाइफ में, लव लाइफ में आ रहे हैं दस्तक देने वाले, या फिर ऑलरेडी आप उनको जानते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी इनको जानते हो, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नया इंसान है। खैर, जो भी है, सबसे पहली बात, इस इंसान के अंदर फायर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। ओके, उनका बर्थ चार्ट पर फायर एलिमेंट थोड़ा हैवी हो सकता है। समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस इंसान का मून साइन फायर हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए सन साइन फायर साइन हो सकता है। कि जो भी इंसान है तो बहुत स्ट्रांग,
एक्चुअली बाहर से बहुत स्ट्रांग है, अंदर से भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन करंट सिचुएशन में ये इंसान काफ़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है. ओके, काफ़ी प्रॉब्लम में है ये इंसान, ये जो भी है, बंदा कहूँ या बंदी कहूँ, ये जो भी है स्ट्रांग माइंडेड है बहुत, लेकिन इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है. ओके, लव लाइफ में भी ये इंसान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. एंड इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है. ओके, इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इस वक्त. किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान पहले से ही खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. ओके, बट राइट नाउ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है. अपर चक्रास में से मुझे तो इस शख्स का अपर चक्रास ब्लॉक ही नज़र आ रहा है, खासकर हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा इस शख्स का ब्लॉक है. और जिस इंसान का हार्ट चक्रा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, समझ लीजिएगा वो इंसान कौन है. लाइक उनका नेचर मुझे ये दिख रहा है जैसे कि इंसान पहली बात तो ये इंसान ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. ओके, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ये शख्स, हालांकि एक्सप्रेस करना चाहिए उनको. ओके, बट करंट सिचुएशन में उनका जो चल रहा है उससे मुझे ये लग रहा है कि इंसान ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से ये इंसान खुलकर अपने इमोशंस को भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं किसी के भी साथ, और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. ओके, और हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक काफ़ी टाइम से है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, काफ़ी टाइम से है. और इस वजह से ये इंसान अपने इमोशंस को काफ़ी दबा कर रखते हैं, एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं. लाइक इनको लोग इजीली जान नहीं सकते हैं. इनके जो करीबी लोग हैं, करीबी लोगों में से भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनके लव लाइफ के बारे में पता ही नहीं है. ये एक ऐसे इंसान है, इनको लगता है कि मैं अपना एक्सप्रेस दिल की बात अगर एक्सप्रेस कर दूँ तो लोग मुझे कमज़ोर समझ लेंगे. ओके, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो इनका माइंड सेट भी कुछ वैसा ही है. तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में बहुत कुछ झेला है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है पास्ट में इनको चीटिंग किया गया है किसी ने. ओके, मुझे लव लाइफ से रिलेटेड ही दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन में इनको किसी ने चीट किया है. हो सकता है क्या हो, लेकिन मुझे यहाँ पर लव लाइफ से ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं. लव लाइफ में इनको किसी ने तो चीट किया था पास्ट में. ओके, पास्ट में चीट किया था, और इस दौरान इनको कोई ऑफर करता भी है तो इनको लगता है कि नो, मुझे इससे भी बेटर मिलना चाहिए. क्या पता ये भी वही करें जो पास्ट में किया था. इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है. हो सकता है ये आपका एनर्जी भी हो, कभी कभी व्यूअर्स का एनर्जी भी यहाँ पर आ जाते हैं. ओके, सो देखिएगा, लेकिन मुझे इस शख्स से यही एनर्जी मिल रहा है. पास्ट में जो भी इन्होंने गवाया है, नॉट गवाया एक्चुअली, इन्होंने जिनको पसंद किया उस इंसान की तरफ से उनको वो चीज़ नहीं मिला, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर, वो सब चीज़ें इनको नहीं मिला. ओके, दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान एक खुद को खुद के आसपास एक बाउंड्री बनाकर रखता है, खुद को सेफ करने के लिए. उनको लगता है कि कोई मेरा करीब आएंगे तो वो इंसान वही करेंगे जो पास्ट में मेरे साथ किसी ने किया था. तो इस वजह से एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं, उस बाउंड्री के अंदर ना तो किसी को वो आने देते हैं, ना खुद वो उस बाउंड्री क्रॉस करते हैं. तो जैसे कोई इंसान इनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, ये कट ऑफ कर लेते हैं. इनका ये नेचर है, ये कट ऑफ कर लेते हैं उस इंसान से, घुलना मिलना बंद कर देते हैं. अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये अच्छा खासा जॉब करते हैं, बहुत कम परसेंट लोगों के लिए लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं. ओके, और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस करते हैं, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, एक अच्छे पोजीशन में है. ओके, ये अगर जॉब भी करते हैं तो अच्छे पोजीशन में है, बॉस लेवल की जॉब करते हैं, लाइक मैनेजर, बॉस, यू नो, इस टाइप के पोस्ट में ये जॉब कर सकते हैं. ठीक है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी इस शख्स के अंदर है. फिलहाल भी वो एक लीडरशिप की तरह, एक लीडर की तरह ही काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में. ओके, एंड वो बाहर से बहुत मजबूत है, बहुत पैशनेट किस्म के इंसान हैं. उनका मतलब जोश, काफ़ी जोशीला इंसान है, जोश है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, पैशन है. सजा सवरना इनको अच्छा लगता है, खुद को तैयार करना अच्छा लगता है. लोग इनको देखते हैं तो इजीली इनके साथ बातचीत नहीं कर पाते, इतना इजीली लोग घुल मिल नहीं पाते. मुझे ये एक तो दो तरीके की पर्सनैलिटी दिख रहा है, ठीक है. पहला मुझे एक ऐसा पर्सनैलिटी दिख रहा है जो ऐसे दिखाते हैं कि वो काफ़ी रूड टाइप के हैं. ओके, क्योंकि उनके साथ पास में गलत हुआ था,
ओके। एंड दूसरा पर्सनैलिटी जो मुझे दिख रहा है, जो रूप टाइप के तो नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। ये दोनों ही पर्सनैलिटीज काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन एक इंसान थोड़ा रूट टाइप का दिखता है, खड़ूस टाइप का, जिसको हम सिंपल वर्ड में बोले तो खड़ूस टाइप का दिखता है, और लेकिन दूसरा इंसान खड़ूस टाइप के नहीं दिखते हैं। ओके, लेकिन है दोनों ही अच्छे, बुरे इंसान नहीं है, ये दोनों ही अच्छे इंसान हैं, जो कि उन्होंने पास में काफ़ी कुछ झेला है, इस वजह से उनका नेचर अभी इस वक्त ऐसा हो गया है। आप लोगों के लिए ये सॉलमेट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हो, आपके पास से आने वाला इंसान हो सकता है, पास का कोई इंसान रिटर्न हो आपके लाइफ में, हो सकता है आप लोग इस वक्त इस शख्स से बातचीत नहीं कर रहे हो, ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे यहाँ कुछ लोग लग रहे हैं, ओके, तो जो भी है फिलहाल लाइक पास की सिचुएशन की वजह से इन्होंने जो माइंडसेट खुद का बना लिया है कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा वह परफेक्ट इंसान चाहिए, एक ये वाला एक इंसान में मेरी लव लाइफ में जो पर्सन आएगा उसके अंदर ये 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 क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये एक माइंडसेट बना कर रखा हुआ था। तो इस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लॉसेस कर रहे हैं, गंवा रहे हैं किसी चीज़ को उनके इसी माइंडसेट की वजह से, ओके, उनकी इस माइंडसेट की वजह से डिवाइन इनको जो ऑफर कर रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको लग रहा है कि जो मिल रहा है मुझे वो भी कम ही है, उनको लगता है कि मुझे फिलहाल जो मिल रहा है वो कम है, मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं और बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हाथ आने वाली अच्छी चीज़ भी ये इंसान गंवा रहे हैं, कुछ इस किस्म की एनर्जी में है ये इंसान, और बाद में खुद भी सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो गंवा दिया, ठीक है, इस टाइप का मुझे दिख रहा है। ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, नो डाउट, इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं ये इंसान, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम है, बहुत कम, 2-3% लोगों के लिए लग रहा है मुझे ये ट्विन फ्लेम में है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में है। नंबर 3 भी आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, नंबर 3, और नंबर 3 एक और चीज़ बताता है, सेल्फ लव, सेल्फ लव के ऊपर, कर्मों के ऊपर भी बताता है, लाइक खुद को इतना ज़्यादा तराशो कि और भी तुम अच्छा कर सको, सेल्फ ग्रोथ कर सको, सेल्फ हीलिंग कर सको, इस वक्त इस इंसान को सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। शायद इनको लगता है कि वो खुद को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं है इस शख्स के अंदर। मुझे एक वाइफ्स आ रहा है जो नंबर 1 वाला इंसान है, जो बाहर से खड़ूस टाइप का दिखता है ना, उस इंसान के तरफ से मुझे एक वाइफ्स आ रहा है। ये इंसान दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है, लाइक मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा यू नो टाइम स्पेंड करता है मटेरियल चीज़ों को अपने लाइफ में लाने के लिए, तो इस दौरान वो खुद का ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। डेफिनेटली उन्होंने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम झेला है, ओके, फाइनेंशियली ये पास्ट में उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बन गया कि मुझे इन फ्यूचर और भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, ये वो करके, और वो कंपेयर भी करते हैं दूसरों के लाइफ के साथ अपना फाइनेंशियल लाइफ को, ओके, तो इस दौरान उन्होंने और भी ज़्यादा हार्डवर्क किया, काम पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, लव लाइफ में थोड़ा कम फोकस करते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अंदर से उतना खुश नहीं है, ये मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है। पैसे भले ही हो, लेकिन अंदर से वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे इस इंसान से नज़र नहीं आ रहा है। इनको खुलकर बात करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए आया है ग्रो विथ इन योर करेंट सिचुएशन, ओके, यहाँ पर आया है काउ, यहाँ पर आया है ओन योर डिवाइन पावर, रिप्लेस को डिपेंडेंट पीपल प्लीजिंग विथ असर्टिवनेस एंड एम्पावरमेंट, ओके। एक और कार्ड है वहाँ पर, ओके, नेक्स्ट कार्ड में आया है आपके लिए क्लींजिंग नेगेटिविटी, रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विथ इन और अराउंड यू, ओके। देन यहाँ पर आपके लिए आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, मैंने क्या बोला था, क्लियर कट बात करना चाहिए, ओके। यहाँ पर आया है क्लियरिटी, वैनिश द फॉग ऑफ इल्यूजन, ओपन योर आईज टू द ट्रूथ, रिमेंबर द परफेक्शंस ऑफ हु यू आर, ओके। सबसे पहली बात,
मैं एक चीज़ बोल रही थी कि इंसान बाहर से खड़ूस दिखता है राइट, लेकिन अंदर से वो इंसान अच्छा है, ये मैंने बोला ही था। और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रहा है, जैसे कि ये इंसान एक तो पावरफुल है ओके, यहाँ पर एनिमल स्पिरिट आया है काओ, तो काओ में काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, लेकिन क्या होता है ये ज़्यादा बात आवाज़ नहीं करता है बाकी एनिमल्स की तरह राइट, शांत रहते हैं। और मैंने क्या बोला था, ये इंसान ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं राइट, वही सब चीज़ें मैंने बोला था। तो सेम चीज़ यहाँ पर आ रहा है उनकी नेचर ओके, उनकी नेचर यहाँ पर आ रहा है। ट्रेडिशनल हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मैं बोलूँगी ये ट्रेडिशनल टाइप के इंसान है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इतना भी ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा मॉडर्न है। फंकी टाइप के कपड़े पहनना भी इनको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए, जो नंबर वन वाला पर्सन मैंने बोला था ना, जो बाहर से थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, वो इंसान ट्रेडिशनल टाइप के हैं ओके, लेकिन बोरिंग टाइप का नहीं है, ट्रेडिशनल है। डेफिनेटली कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये इंसान ज़्यादा फन करना, पार्टी वगैरह करना, ये वो ये उनको पसंद नहीं है ओके। वो थोड़े सीरियस टाइप के हैं, थोड़े सीरियस टाइप के हैं, लेकिन सुलझे हुए इंसान हैं, दोनों ही सुलझे हुए इंसान ही हैं ओके। एंड अबंडेंट है या स्टेबिलिटी है, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अबंडेंट है, दैट्स वाई आपके लाइफ में भी अबंडेंस आएगा इस इंसान के साथ, अगर आप इन फ्यूचर शादी करते हो तो ठीक है। मैं फिलहाल ये नहीं देख रही कि इनके साथ आपका शादी होगा कि नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि आपके लव लाइफ में कौन आएगा ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इनका नेगेटिव क्वालिटी भी है, और वो है स्टबर्न नेचर उनका, जिद्दी बहुत है, और लोगों को बहुत ईजिली जज करते हैं ठीक है। उनका ये एक ये दो नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रहा है, बहुत जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं लोगों को लेकर कि ये इंसान वैसा है, ये इंसान वैसा है, इस तरह के की ओपिनियन बना लेते हैं ओके। और आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपको अपने करंट सिचुएशन के साथ ग्रो करना है, फ्लो में जाना है ठीक है, कि कब आएगा ये इंसान, कब आएगा बोल के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पर बेसिकली मैंने टाइमिंग कहाँ का कितना दिया है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में ओके। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी आया है जो बताता है डिवाइन टाइमिंग के बारे में, लेकिन हाँ सितंबर से दिसंबर के बीच ही होगा। और जब भी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, कभी कभी उसका रिजल्ट थोड़ा रीडिंग के कुछ टाइम बाद मिलता है ओके। पर कल एक लड़की ने मुझे फिर से मैसेज किया था, तो वो मुझे एक थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उसने मेरा रीडिंग देखा था, ऐसा नहीं कि पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ वही रीडिंग उन्होंने देखा था, और उसी के हिसाब से उनको जॉब भी मिल गया है, मतलब सॉरी मिला नहीं है, आई होप कि मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब है, उन्होंने अप्लाई किया, रिटन एग्ज़ाम कम्प्लीट हो गया है, बस अभी वाइवा बाकी है। सो वही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेडिक्शन कर दिया तो 15 दिन के अंदर ही वो सच हो जाएगा या 1 महीने के अंदर ही वो सच हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जनरल रीडिंग है राइट, सबका टाइमिंग सेम नहीं होता है ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आया है ओके, यहाँ पर आया है योर डिवाइन पावर रिप्लेस कोडिपेंडेंट या, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपके अंदर वो नेचर है तो आपको वो हटाना है, किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेबल हो जाना, देन उस इंसान को लेकर बार बार सोचते रहना कि वो इंसान कब बात करेंगे, कब आएंगे फिर से ओके, इस किस्म का अगर आपका वो नेचर है तो आपको वो हटाने के लिए बोला जा रहा है ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करने के लिए बोला जा रहा है ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कीजिए, आप ये मत सोचिए कि सामने वाला इंसान को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप वो बोलिए जो बोलना है, सच बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। जितना आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनका दिल रखने के लिए झूठ मूठ का हाँ में हाँ भर दोगे, हामी में हामी भर दोगे, उससे क्या होगा, आपके अंदर ब्लॉकेजेस आएंगे, आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होगा, नॉट ओनली थ्रोट चक्रा, आपको बाद में खुद पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो हमेशा सच बोलिए, मैं अपने रीडिंग में वही बोलती हूँ जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनने को मिलता है, जो भी गाइडेंस मिलता है मैं वही बोलती हूँ, मैं कभी भी अपने रीडिंग में किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ मूठ का नहीं बोलती ओके। तो इस वजह से किसी किसी को बुरा भी लग जाता है, लेकिन ये मेरा काम है ठीक है। स्पिरिट्स जो मुझे गाइड करते हैं मैं वही बोलती हूँ, मैं सिर्फ कार्ड्स देखकर नहीं बताती हूँ, ये मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं सिर्फ कार्ड्स देखकर रीडिंग नहीं करती हूँ,
मुझे मेरा इंट्यूशन जो बोलता है प्लस मुझे मेरे स्पिरिट्स जो गाइड करते हैं वो आप लोगों को बोलते हो, ठीक है। तो ये कभी मत सोचेगा कि मैं अपने रीडिंग पर सिर्फ स्वीट स्वीट बोलूँगी, ठीक है। ज़्यादा मिठास होने से भी क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, तो थोड़ा कड़वापन होना चाहिए ताकि बैलेंस रहे एनर्जी। यहाँ पर क्लियरिटी बोला गया है, अगर आपके मन में किसी किस्म का इल्यूजन है, ओके, वो इल्यूजन आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर आपको भी वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप पास से किसी इंसान को अपने लाइफ में लाना चाहते हो तो आपको उस डिसीजन पे ये क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे पास का वो इंसान चाहिए। बीच में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं पास का वो इंसान नहीं चाहिए, कोई नया इंसान होना चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद शायद आपको फील होता होगा कि नहीं मैं पास के उस इंसान को बहुत मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ, मुझे वही इंसान चाहिए। तो इस किस्म का कन्फ्यूजन ना रखे, क्लियरली ये विश मांगे कि आपको कौन चाहिए, कौन सा इंसान आपके पर्सनल लाइफ में आए, आपके लव लाइफ में आए, ठीक है। और ये इंसान क्लियरिटी लाएगा, जब भी आएगा आपके लाइफ में डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ में क्लियरिटी लाएगा। और यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन आया है, ऑनेस्टली डिस्कस करने के लिए आपको अगेन बोला गया है, और यहाँ पर तो एस ऑफ सॉट्स आया ही है। इस इंसान के लिए भी ये गाइडेंस आया है कहीं ना कहीं कि इनको भी दिल खोल कर बात करना चाहिए। हालांकि ये इंसान तो अभी देख नहीं रहा है ये रीडिंग, तो ये आप ही के लिए मैसेज है, ठीक है। जब भी आप इनसे बात करोगे, मिलोगे, जो भी इनका नेचर है, प्रोफेशन है, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो आप खुद जान जाओगे ये इंसान कौन है। तो आप इस इंसान को ये बात ज़रूर बोलें कि आप जब भी बात करो मुझसे, जब भी कॉन्वर्जेशन करो, क्लियर कट बात करो, क्लियर कट कॉन्वर्जेशन करो। ये इंसान कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, ये इंसान भी नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर कि मैं आऊँगा कुछ टाइम बाद, आऊँगा या आऊँगी, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ये आना चाहते हैं लेकिन झट से आ नहीं पा रहे, कुछ इस किस्म का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहे आपकी रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके बाय। हेलो पाइल नंबर टू, अगर आप लोगों ने ग्रीन हार्ट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ओके। चलिए देखते हैं आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, ओके। सितंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइमिंग मैंने लिया हुआ है, ठीक है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर टू के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। तो पाइल नंबर टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल नंबर टू के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, थैंक यू प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि कोई मैरिड इंसान ये रीडिंग देख रहा है जिनका एक बच्चा भी है, तो अगर आपका आपके स्पाउस के साथ सेपरेशन चल रहा है तो वो मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उनके लिए है जो मैरिड है, थैंक यू सो मच। बच्चे के साथ आपका स्पाउस काफ़ी यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आप भी होंगे उनके साथ, थैंक यू सो मच। कौन आ रहा है कि लव लाइफ में नेक्स्ट, थैंक यू फॉर पाइल नंबर टू। एक चैनल प्लेस नेम आ रहा है, प्लेस का नेम कोलकाता, किसी किसी के लिए ये इंसान कोलकाता से हो सकते हैं, ओके, बहुत कम लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर टू के व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है या कौन आ रही है, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच पाइल नंबर टू के व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ओके। एक तो ये लग रहा है जैसे कि ये इंसान काफ़ी रिच है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये काफ़ी क्राउडेड एरिया में रहता है, तीसरा मुझे एक और मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान प्रोफेसर हो सकता है, ओके, या हो सकती है, इस किस्म का मुझे वो आ रहा है, थैंक यू। ये इंसान एंजल्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एंजल्स के साथ कनेक्टेड है। आप दोनों को मिलाने के लिए एंजल्स काफ़ी मदद करेंगे, कई सारे साइंस आप दोनों को दिखाएंगे, उस इंसान को भी दिखाएंगे वो साइंस, उसके बाद वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे,
ठीक है, ये मैसेज मुझे आ रहा है फॉर पाइल नंबर टू। वाओ, यहाँ पर है मजीशियन, नाइस। ओके, टैरो से भी देखेंगे। पाइल नंबर टू के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है प्लीज़ मुझे बताइए फॉर पाइल नंबर टू। थैंक यू सो मच। ये इंसान आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं फॉर पाइल नंबर टू। झुमका मुझे नज़र आ रहा है, झुमका हो सकता है ऑलरेडी दिया हो, अगर नहीं दिया है तो देने वाले हैं जब मिलेंगे। पाइल नंबर टू, थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर टू के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। इस इंसान के ड्रीम काफ़ी बड़े हैं, ये जो इंसान है ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स ये देखते हैं। करेजस इंसान है, बहुत करेज है इस इंसान में। और मुझे पहाड़ी इलाका है नज़र आ रहा है, पाइल नंबर वन में भी मुझे दिख रहा था, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है पहाड़ी इलाका। इनको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद हो सकता है। ओके, दो कार्ड जंप आउट हुआ है, ओ तीन कार्ड जंप आउट हुआ है। ओके, यहाँ पर आया है आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स, देन यहाँ पर है टेन ऑफ सॉट्स, यहाँ पर है आपके लिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे मिल रहा है, थैंक यू। पाइल नंबर टू के व्यूअर्स के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आप इमोशनल होने वाले हो ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला था, आप इमोशनल होने वाले हो। पाइल नंबर टू के जो व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। दिल्ली, कुछ लोगों के लिए मुझे दिल्ली सुनाई दे रहा है, दिल्ली। वाओ, लुक एट दिस, मैंने क्या बोला था, मैंने फैमिली के बारे में बोला था ना, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स आया है और जस्टिस आया है, जंप आउट हुआ है आप लोगों के लिए, ग्रेट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये दिल्ली है मेरी जान। यहाँ पे है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। सेवन ऑफ कप्स, आई मीन सेवन ऑफ हार्ट्स, थ्री ऑफ सॉट्स। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांग है, देन यहाँ पर है एरिस लियो एंड सजिटेरियस। ओके, जेमिनाई भी यहाँ पर स्ट्रांग है, या हर एक साइंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नंबर्स, कुछ एंजल्स नंबर्स मुझे दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि डबल फाइव है, डबल फाइव है, डबल नाइन है, डबल सेवन है एंड डबल थ्री है। बहुत सारे एंजल्स नंबर्स हैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों की बर्थ डेट भी हो सकता है, या फिर उस इंसान का, या फिर आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे ये आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी ही लग रहा है, ओके। एंड मुझे जो विजन्स आ रहा था, जैसे कि कुछ मैरिड इंसान भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन लौटने वाले हैं आपके लाइफ में, ओके। जो सेपरेशन में है, मुझे सिर्फ मैरिड लोगों का ही नहीं बोलूँगी, जो अनमैरिड है और सेपरेशन में है उनके लव लाइफ में उनका पार्टनर रिटर्न होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैरिड है उनके लिए तो डेफिनेटली होने वाले हैं रिटर्न। ये इंसान आपकी सोल फैमिली से ही बिलोंग करता है या करती है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे कार्मिक टाइप का एनर्जी आ रहा है, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। अगर ये आपका कार्मिक है तो आपको डेफिनेटली पता होगा, जनरल रीडिंग है, जितना मैसेजेस मुझे आता है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। एंड एक और बात मैं बता दूँ, मैं वही मैसेजेस बोलती हूँ जो मुझे चैनल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं ऐवे ही मतलब वीडियो लंबा करने के लिए कुछ भी बोलती जाऊँ, ठीक है। तो एक लड़की ने मेरी एक वीडियो पर कंप्लेन किया था कि मैंने प्रोफेशंस के बारे में नहीं बताया, क्रश के रिलेटेड, क्रश, हाँ उनका क्रश कौन है इसके ऊपर मैंने रीडिंग किया था। तो वो बंदी बड़ी झगड़ालू टाइप की थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैंने भी रिटर्न में उसको जवाब दिया था, बाद में मैंने बंदी को ब्लॉक कर दिया। जवाब देना ज़रूरी होता है, कमेंट सेक्शन ऑन है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो भी मन करे वही आकर कमेंट कर दे। हम इंसान हैं, राइट, हम इंसान हैं। और आप लोगों के लिए इस वक्त हम एक टीचर की तरह है ना,
तो एक स्टूडेंट जब टीचर के साथ बदतमीजी करता है तो टीचर का हक बनता है कि वो उस इंसान को पलट कर कुछ बोले, जवाब दे, सही लाइन पर लाएं, अकल ठिकाने लाएं। लेकिन आप मैं सोच रही हूँ मैं किसी का अकल ठिकाने नहीं लाने वाली, क्योंकि जो मन बुद्धि लोग हैं उनका दिमाग वैसे भी काम नहीं करता है, मेरा एनर्जी उल्टा बर्बाद होगा। तो नेक्स्ट जो भी आलतू फालतू कमेंट आएगा, बदतमीजी करेंगे, मैं उनको डेफिनेटली ब्लॉक कर दूंगी। लेकिन इससे पहले हालांकि बहुत कम ही नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन रिसेंटली एक ऐसा हुआ था, वो लड़की बड़ा झगड़ालू टाइप से वो मुझे कमेंट कर रही थी। फर्स्ट कमेंट नॉर्मली था तो मैंने उसको नॉर्मल रिप्लाई दिया, लेकिन जो नेक्स्ट उसका कमेंट आया इतना लंबा करके मेरे प्रोफेशन के ऊपर वो उंगली कर रही थी और न जाने क्या कुछ बोल रही थी। तो ऐसे बदतमीज़ लोगों के मुँह पे थोड़ा तमाचा मारना चाहिए, तो मैंने मारा तमाचा और फिर उसको ब्लॉक कर दिया। और वो बंदी इतनी बदतमीज़ है, फेक आईडी से फिर से मुझे कमेंट कर रही है, वाह हिम्मत। एनीवेज अब नेक्स्ट किसी के साथ मैं मुँह नहीं लगाने वाली, सीधा ब्लॉक करूँगी, सिंपल सी बात है, मतलब घटिया कमेंट करने वालों को। एनीवेज तो मैं क्या बता रही थी, टॉपिक ही चेंज हो गया था। ओके तो ये इंसान कौन है? पहली बात, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपकी सोलमेट सोल फैमिली का इंसान ही लग रहा है, ठीक है। बहुत कम परसेंट, 1 or 2% लोगों के लिए ये कार्मिक इंसान लग रहा है, ठीक है। समहाउ मुझे ये फीलिंग आ रहा है यहाँ पर ये रीडिंग सिंगल लोग बहुत कम ही देख रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग ये वाला पाइल चूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, ओके ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में वो है या फिर थे, ब्रेकअप हो गया होगा, या फिर ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन लाइक बातचीत नहीं हो रहा है, सेपरेशन टाइप का माहौल चल रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो प्योर सिंगल है, जिनके दिल में कोई नहीं है इस वक्त, ओके जो एक नया बंदा या बंदी के इंतज़ार में है, ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान ने या तो आपको धक्का दिया है, लाइक इमोशनली पेन दिया है, ओके लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा तो हुआ है इस इंसान के साथ, ठीक है, मतलब जो इनको जानते हैं मैं उनको बोल रही हूँ, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे लग रहा है हुआ है पास में आपके साथ इस इंसान का। और अब वो इंसान उस चीज़ को लेकर काफ़ी पछताते हैं, याद करते हैं पुरानी मेमोरीज, इनको बहुत याद आते हैं, काफ़ी लोनली महसूस करते हैं ये इंसान, ओके काफ़ी लोनली महसूस करते हैं, एंड इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है इस शख्स से, इनको नींद नहीं आता है ठीक से रात को, वो पास की चीज़ें याद आते हैं, दिन भर तो वो काम में बिजी रहते हैं, देन रात के टाइम पर इनके दिमाग में हज़ारों ख्याल आते हैं, एंड इनको देखकर कोई कहेगा नहीं कि इंसान इस तरह से सोचता है या सोचती है, ठीक है। इंट्यूटिव किस्म के हैं इंसान, इमोशनल काफ़ी है, एंड हो सकता है आपको ना लगे इंसान इमोशनल है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इंसान आपको अपना इमोशंस शो नहीं करते हो, लेकिन ये इंसान इमोशनल है। पछतावे वाली एनर्जी मुझे मिल रहा है इस इंसान से, और ये चाहते हैं कि अपना लाइफ ये परफेक्ट करें, ठीक करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए दो दो बार आए हैं यहाँ पर, वो दोस्ती करना चाहते हैं फिर से, ये चीज़ ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो सिंगल्स है स्पेशली, अपने वर्क प्लेस के थ्रू आप इस इंसान को मिल सकते हो, ओके चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसके थ्रू आप ये इंसान, आपको ये इंसान मिल सकते हैं। इस इंसान के लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें कौन सा चूज़ ना करें, और सोचते बहुत ज़्यादा है ये इंसान, कैलकुलेटिव माइंड के मुझे यहाँ लग रहा है, एंड इक्वल गिव एंड टेक इनको पसंद है, ओके मतलब मैं जितना देता हूँ या देती हूँ तुमको भी मुझे वो देना पड़ेगा, ओके वो चीज़ मुझे दिख रहा है। और अगर आपका इनके साथ कभी कोई कनेक्शन था ही नहीं, लाइक जो सिंगल्स हैं, जो प्योर सिंगल्स हैं जिनका पास में कोई था ही नहीं, तो मैं उनको बता दूं कि इंसान फ़िलहाल किसी ऐसे पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, कि इनको किसी ने या तो धोखा दिया है या फिर इन्होंने किसी को धोखा दिया है, जिस वजह से वो इस पेनफुल सिचुएशन में है, सेपरेशन वाला पीरियड यहाँ पर चल रहा है, और जब वो हील हो जाएंगे तब वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। सितंबर से दिसंबर के बीच तक ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, थ्रू आपकी वर्क प्लेस
के ज़रिए ये इंसान आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ इंटरनेट भी लग रहा है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भी आप इस इंसान को मिल सकते हो। और बाकी जो लोग इनको ऑलरेडी जानते हो, लाइक आपके कोई एक्स थे, लाइक नॉट एक्स एक्चुअली, लाइक जिनके साथ अभी फिलहाल आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन का हो चाहे ब्रेकअप बोलो, तो वो इंसान रिटर्न होने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एक नया इंसान आते हुए यहाँ पर मुझे कम ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास से ही कोई इंसान आएगा जिसके साथ आपका कभी कोई कनेक्शन था या अभी भी है। तो ये इंसान सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली को एक खुशहाल फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ ये इंसान, और ये इंसान फैमिली बनाने में बिलीव भी रखते हैं। ये कैसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं, ओके, स्टेबिलिटी, लाइक अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ प्लस अपना लव लाइफ दोनों ही काफ़ी स्टेबल हो, सब कुछ परफेक्ट हो, ओके। इनको परफेक्शन चाहिए हर एक चीज़ में, लेकिन जो कि एक बहुत सोचते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एबंडेंट इंसान है, ओके, काफ़ी फ्री माइंडेड इंसान मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने इमोशंस के वजह से थोड़े सहम जाते हैं एंड लाइक उतना ज़्यादा खुलकर बोल नहीं पाते उस वक्त, ओके। और मुझे एक और चीज़ आना, जैसे कि इस इंसान ने एक टाइम पर किसी को बहुत दिया है प्यार, स्पेशली प्यार बहुत दिया है, लेकिन बदले में इनको उतना वो प्यार नहीं मिला। आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि इस इंसान ने एक टाइम पर किसी को बहुत प्यार दिया था, लेकिन बदले में उनको वो प्यार नसीब नहीं हुआ, रिटर्न नहीं मिला वो चीज़। तो अभी कहीं ना कहीं इस शख्स ने ये एक बाउंड्री सेट कर लिया है इन्होंने कि अब से ऐसा नहीं होने वाला है, मैं जितना प्यार दूंगा या दूंगी बदले में मुझे भी चाहिए उतना प्यार, उतना अफेक्शन, उतना केयर, ओके। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और फ्रेंडली नेचर के हैं इंसान, पावरफुल है बहुत, ठीक है, और ये अच्छे मैनिफेस्टर भी है। ये जो चाहते हैं कि अपना जो गोल बनाते हैं ना, वो उस चीज़ में सक्सेस पा लेते हैं, चाहे थोड़ा टाइम ही क्यों ना लगे, लेकिन उन्हें वो चीज़ मिल जाता है, देर से ही सही लेकिन इनको मिलता ज़रूर है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो एक पावरफुल मैनिफेस्टर भी है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आया है, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपको किसी ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए बोला गया है जिसके साथ रहने से आप खुद को प्रोटेक्टिव महसूस करो, ओके। बेसिकली आपको सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आपको ऐसे इंसान के आसपास रहने के लिए मना किया गया है जो नेगेटिव हो, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी लो लेवल में चला जाता है, ठीक है, लो वाइब्रेशन में आप चले जाते हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप ऐसे लोगों के आसपास रहिए जिसके आसपास रहने से आपकी एनर्जी लेवल में सुधार आता है, आपको खुशी महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि आप जितना हील होंगे उतना ही ये इंसान जल्दी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे टर्टल है, टर्टल आया है, तो ये इंसान थोड़ा स्लो है, पेशेंस काफ़ी है इस इंसान में, नॉलेज काफ़ी है, ओके, प्रोटेक्शन, ये इंसान आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर पाएगा। इस इंसान के साथ जब आप रहोगे तो आप काफ़ी प्रोटेक्टिव महसूस करोगे, ठीक है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि ये इंसान आपके लिए किसी और के साथ लड़ भी सकता है, फिजिकली लड़ाई भी कर सकता है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और या काफ़ी डिटरमाइन इंसान है, और इस इंसान के साथ आप काफ़ी सिक्योर महसूस करोगे, प्रोटेक्टेड महसूस करोगे, काफ़ी सिक्योर महसूस करोगे, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है टर्टल से। देन यहाँ पर आपके लिए है फॉरगिवनेस हार्ट्स, फॉरगिवनेस हार्ट्स, ये मैसेज उनके लिए है जो इस इंसान को जानते हैं, ओके, आपके पास से है, आपको पता चल ही जाएगा रीडिंग से, ये इंसान अगर आपके पास से है तो आपको इस इंसान को माफ़ करने के लिए बोला गया है। दिल में इस इंसान के लिए किसी भी किस्म का नफरत, गुस्सा मत रखिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, चाहे आप इस इंसान को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मैं बस ये बता रही हूँ कि कौन आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको इतना ज़रूर बताया गया है कि आप इनको फॉरगिव कर दो। और अगर आप लोग सिंगल हो
और आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिनके लिए आपके दिल में नफरत है, गुस्सा है, तो उस इंसान को आप फगीव कर दो, ठीक है। आप जैसे जैसे लोगों को फगीव करोगे वैसे ही आपकी चक्रा भी बैलेंस होगा, चक्रा क्लींजिंग भी होगा, साथ ही साथ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे, जिससे आपके लव लाइफ में सुधार होगा और ये इंसान थोड़ा फास्ट आ पाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको लोगों को फगीव करना है, इससे आप भी हील होंगे, ठीक है। वाओ, ये कार्ड है आपके लिए सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन, वेरी नाइस। ओके, तो सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस, ओके, तो इस इंसान के आने से जाहिर सी बात है मिल ही गया है यहाँ पर, कुछ लोगों का यहाँ पर सगाई होने की चांसेस है इस इंसान के साथ, सगाई शादी फिक्स हो सकता है, ये इंसान आपको प्रपोज ही कर देंगे। ओके, प्रपोज तो करेंगे ही ऑफकोर्स, लेकिन हाँ सगाई हो सकता है आप लोगों का, मतलब इंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है, शादी फिक्स हो सकता है। देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो मैरिड है ऑलरेडी, तो ये इंसान आपके साथ अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करे, ठीक है, उनके लिए है ये मैसेज जो ऑलरेडी मैरिड है। यहाँ पर है आपके लिए स्ट्रेंथ, ये इंसान काफ़ी पावरफुल है, मैंने क्या बोला था, ये इंसान काफ़ी पावरफुल है, लियो एनर्जी भी हो सकता है, लियो वाइब्स भी मुझे आ रहा है स्ट्रेंथ से। और यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आया है, यहाँ पर आया है आपके लिए लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको इस पर्सन ने चाहे पास में हर्ट किया हो या फिर आप इस इंसान को जानते ही नहीं हो, चाहे जो भी है, आपको ये गाइडेंस मिला है कि आप सबसे पहले खुद को प्यार करो, ठीक है, खुद को प्यार करो। उससे क्या होगा, जैसे आप खुद को ज़्यादा टाइम दोगे, खुद को ज़्यादा केयर करोगे, खुद को ज़्यादा प्यार करोगे, तो वो इंसान भी आपके लाइफ में फास्ट आएगा, जल्दी आएगा वो इंसान आपकी लाइफ में, ज़्यादा जल्दी वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ लव से क्या होगा, आप अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, बुरे लोग भी अट्रैक्ट होंगे नो डाउट, लेकिन अच्छे लोग डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और या ये इंसान, अगर मैं बोलूँ कि ये प्रोफेशन वाइज ये क्या है, लॉ से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं, ठीक है, जज हो सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जो कोर्ट से रिलेटेड काम हो, ऐसा काम करने वाला इंसान ये हो सकता है, हो सकता है ये इंसान पुलिस या फिर डिफेंस में भी काम करने वाला इंसान हो, आर्मी मिलिट्री वगैरह, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लेकिन ये इंसान बिजनेस वाला ही लग रहे हैं, ओके, बिजनेस वाला या बिजनेस वाली, ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद अपना बिजनेस क्रिएट किया है, ये इंसान ग्रुप वाइज काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, प्रोफेशन क्या करने बात बोलूँ तो। और बाकी लोगों के लिए ये मुझे कानून से रिलेटेड काम करने वाला इंसान लग रहा है, कोर्ट से रिलेटेड काम हो सकता है। आप लोगों का जो मैरिड है उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के साथ आप लोगों की शादी टूटने की कगार पे आ चुकी है, और वो चीज़ ठीक होने वाला है, ठीक है, जैसे ये इंसान आएगा सब कुछ ठीक होगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस इंसान के साथ जब आपका यूनियन होगा ना, जब आप दोनों मिलोगे, लव एक्सप्रेस होगा, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, क्योंकि मुझे व्यूअर्स से भी एक एनर्जी आ रहा है जैसे कि आप लोग भी वाउंडेड हो, आप लोगों को भी किसी ने पेन दिया है, चाहे वो किसी लव वन ने दिया हो या फिर आपके घर के किसी मेंबर ने दिया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आप लोगों को भी किसी ने तकलीफ दिया है। ओके, और नंबर 99 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, चेंजेस आएगा, मेजर चेंजेस आएगा, ये इंसान जैसे ही आपके लाइफ में आएगा चेंजेस आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, लेकिन हाँ ये नेगेटिव चेंजेस नहीं है, ये अच्छे चेंजेस हैं, अच्छे ही चेंजेस लाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।